ये ट्रिपल कोट में है, देख रहे हैं इसका जो क्वालिटी आता है ये फर का ही क्वालिटी, ट्रिपल क्वालिटी, एक साल दो महीने का, एक साल दो महीने, हाँ। 14 महीने का ये हो चुका है, हाँ। मतलब 14 महीने के, अगर कोई मन में इसको ये होगा कि ये 14 महीने का कितना बड़ा होगा, तो ये आप देख, हाँ, ये 14 महीने का, 14 महीने का ये है, और काफी बड़ा है, हाँ, फर्स्ट टाइम गाभिन भी है ये, प्रेग्नेंट है, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है, ये दो तीन दिन में बच्चे। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार सिंह, आप देख रहे हैं मंथन एक नई सोच। दोस्तों आज मैं उपस्थित हूँ दरभंगा के लहरिया सराय में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैट फार्मिंग के बारे में। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो गोट फार्मिंग के बारे में भी देखा, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैट फार्मिंग के बारे में। हमारे साथ इकराम भाई है जो बहुत अच्छे तरीके से तरह तरह का नस्ल का जो है यहाँ पे कैट फार्मिंग कर रहे हैं, और एक यूनिक हमको लगा कि ये यूनिक तरीके का एक फार्मिंग है, तो हम आपको दिखाने के लिए इतने दूर चलकर दरभंगा में हम आ चुके हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में कैट फार्मिंग के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी लेंगे। सर स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे चैनल में, हमारे दर्शकों को एक छोटा सा परिचय दीजिए। जी नमस्कार सर, मेरा नाम इकराम है, मैं दरभंगा लहरियासराय से बिलोंग करता हूँ, और अपना छोटा सा कैट फार्मिंग है, ये एक्चुअली ये पर्शियन कैट है। सर कितने तरह का आपके पास कैट है ये हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। ये पर्शियन कैट का अलग अलग फर क्वालिटी, ये फर होता है ना, उसका अलग अलग क्वालिटी है, सिंगल कोट है, डबल कोट है और ट्रिपल कोट है, तीन तरह का क्वालिटी है मेरे पास पर्शियन कैट में, और एक है जो बंगाल कैट है। सर अब हम देख रहे हैं कि आप गोट फार्मिंग भी कर रहे हैं, और आप गोट फार्मिंग के साथ साथ ये कैट फार्मिंग आप कर रहे हैं, कैसा इसका रिस्पांस मिल रहा है, या फिर किस नज़रिए से देख रहे हैं कैट फार्मिंग का आप कर रहे हैं? जी शुरू शुरू में तो थोड़ी दिक्कत हुई थी, जब मैं फर्स्ट टाइम आज से 2-2.5 साल पहले मंगाया था, तो उस टाइम में जब ब्रीड कर लेता था कैट तो सेल नहीं हो पाता था, लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक निकल रहा है, अब सेल हो रहा है, हाँ सेल हो जा रहा है। अभी एक हफ्ते पहले 16 पीस थे मेरे पास, और ये ब्लैक वाले का बच्चा था, 9 पीस दिया था, जिसमें 2 अभी बचा हुआ है और बाकी सेल हो गया। इससे मतलब अगर रेशियो देखा जाए ना जी, तो गोट फार्मिंग से अच्छा है इसका प्रॉफिट, क्योंकि ये एक बार में जो है 6-7, 5-6-7-8 बच्चे दे देती है, और मतलब इसका प्रेगनेंसी पीरियड जो होता है 60-65 डेज ओनली होता है, 2 महीना तो इसका प्रेगनेंसी पीरियड हो गया। अच्छा, अच्छा। बच्चे दी फिर एक ये 45 डेज के बाद हीट में आ जाती है, तो टोटल मान लीजिए 3.5 महीने का जो है, एक साल में करीब 3 बार, मतलब 3.5 महीने में अगर करके चले तो अगर साल में 3 बार, यानी कि एक मतलब कैट से हम 4 उसके मतलब बच्चे ले सकते हैं, 4-4 फिर 4-3 12 हो गया, नहीं, क्या एक बार में 4 नहीं, कम से कम 5-6-8-10 तक देती है कैट बच्चे। सर इसको आप खाने में क्या क्या देते हैं, अगर कोई करना चाहे या फिर कोई अगर शौक से भी ले जाना चाहे तो यहाँ से ले जाएगा, अगर तो उसको खाने में क्या क्या देगा, उसको कैसे रख रखाव करना ज़रूरी होता है? इसका फीड आता है म्याओं करके और विस्कस करके, 2-3 कंपनी इसकी फीड निकालती है जो अच्छा होता है, पूरा उसमें सारा न्यूट्रिएंट्स रहता है, प्लस इसका एक्स्ट्रा डाइट अगर खुद आदमी चाहे तो बॉयल चिकन दे सकता है, बॉयल चिकन से अच्छा इसका जो है क्वालिटी अच्छा आता है, फर क्वालिटी वगैरह और एक्टिव हमेशा रहती है। ये अपने यहाँ का जो भी मतलब कैट होती है, अपने यहाँ का बिल्ली जो भी होती है, सो इस तरीके का नहीं होता है, इतना बड़ा बड़ा बाल नहीं होता है सर, तो ये जो है अगर कोई रखता है तो अगर बड़े स्तर पर अगर कोई चाहे इसका फार्मिंग करने के लिए बड़े स्तर पर चाहे कि हम बड़ा एक फर्म बना करके इसको पाले, तो वो कैसे कर सकता है, इस पर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि बिजनेस पर्पज से जो करना चाहे, बिजनेस पर्पज से अगर करना चाहता है तो इसका सबसे पहले इसका मतलब रख रखाव जो है वो इसके लिए ठंडा रख रखाव होना चाहिए, क्योंकि ये पैड इसका है पर्शियन का, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर जो होता है ठंडा होता है, गर्मी में थोड़ा ये दिक्कत करती है। तो गर्मी में अगर मान के चले कि गर्मी अगर ज़्यादा है, इतना में गर्मी पड़ रहा है, जैसे मई जून का महीना हो गया, तो उस समय अगर इसका इस एसी का इस्तेमाल अगर किया जाए
क्या नहीं, कूलर से भी काम, कूलर से भी काम चलेगा, कूलर हमें वहाँ लगा रखा हूँ। अच्छा, कूलर से भी रूम में मतलब ठंडा होना चाहिए, होना जरूरी होता है। सर इसको खाने में आप क्या क्या दे रहे हैं, और इसको बेहतर ग्रोथ के लिए अगर कोई चाहे कि हम बेहतर ग्रोथ के लिए अगर इसको कुछ फीड वगैरह इस्तेमाल करें, अगर कुछ दाना वगैरह दें, तो वो कैसे कर सकते हैं? बेहतर ग्रोथ के लिए बॉयल चिकन आता है, या रॉ चिकन भी, कच्चा भी खा लेती है। कच्चा चिकन भी, ये देख रहे हैं, कच्चा चिकन ही हम ज़्यादातर खिलाते हैं। कच्चा चिकन सभी को दे देते हैं, अपना खा लेता है, और इसका फीड भी आता है। और एक्स्ट्रा में अगर मल्टी विटामिन आती है, आता है इसका दवा जिप विट करके, वो रेगुलर अगर हफ्ते में 3-4 दिन चला दिया जाए तो बेस्ट रहता है। बस इसका सारा डिपेंड जो होता है ना फर्क पे जितना। अच्छा, एक मार्केटिंग के ऊपर हम सवाल पूछना चाहेंगे कि काफ़ी हमारे दर्शक भी होंगे, उनको मार्केटिंग अगर इसका अगर सही ढंग से उनको से नहीं हो पाता है मार्केट स्टार्टिंग में, तो कैसे करेंगे, अगर आप फिर उनसे कलेक्ट कर सकते हैं? हाँ, हम ज़्यादातर मतलब जितने भी बिहार में हैं, तो अब तो पहले हमको भी दिक्कत हुई थी, जो बात है कि हम पहले दिक्कत हो रहा था कि सेल, जैसे इतने सारे एक बार में बच्चे आते थे तो हमको दिक्कत आता था, 6-7 उस टाइम में फीमेल भी थी, तो मतलब हम भी पहले जो है वो पटना शॉप है ना, ये एक शेर खान नाम के आदमी हैं, उनसे कांटेक्ट किए, फिर उनसे हुआ पटना में। हाँ हाँ, तो फिर बनते 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 अपना भी अल्हम्दुलिल्लाह बन गया। अब बच्चा होता है, अभी भी ये वाला सेल किया हुआ है, एक बच्चा हुआ है, ये भी ले जाएगा, तो अब दिक्कत नहीं होता। और इसका सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन होता है ना, गर्ल्स को ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, गर्ल्स मतलब अमूमन इसको जो है ना अपने रूम में रखने। और इसका सबसे अच्छा है कि देखने में भी बहुत सुंदर सुंदर लग रहा है, इसका जो है लेटरिंग वगैरह का ट्रेनिंग में किया हुआ है, जैसे उसको फीडर आता है उसमें, उसी में लेटरिंग और बाथरूम करता है वो। मतलब कहीं पे अगर बाहर में ऐसे कभी भी नहीं, ऐसे नहीं करता है, वो अपने जगह स्थान पे जाकर के ही करेगा, ढक करके आता है। सबसे अच्छी बात इसमें, सबसे अच्छी। अच्छा, इसको रखने के लिए सर इस तरीके का पिंजरा बनाना जरूरी है? घर के अंदर एक पालने के लिए ऐसा कोई रिक्वायर्ड नहीं है। अगर लार्ज स्केल में जैसे कि सबको कलेक्ट करने के लिए, तब तो पिंजरा की जरूरत पड़ता है, लेकिन अगर एक है तो वो अपने बेड पे ऐसे ही रहता है। सर हमें ये बताइए कि कोई अगर यहाँ से अगर आकर के ले जाता है, अगर यहाँ से मतलब 1-2 पीस अगर ले जाए, तो उसका क्या रेट लगेगा, किस रेट में आप सेल करते हैं उसको, किस रेट में दे दीजिएगा? देखिए, इसका बिहार में अभी तो उतना बड़ा इसका बहुत बड़ा ये नहीं है, बाहर में इसका रेट जो है 20,000 तक है। इसका आइज क्वालिटी, फर क्वालिटी सब पे देखा जाता है, लेकिन हम यहाँ पे जो है नॉर्मल 10,000 तक अच्छा क्वालिटी का 45+ डेज का बच्चा दे देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि कैट फार्मिंग करने के लिए, या फिर अपने शौक से भी आप अपने यहाँ रखना चाहते हैं 1-2 पीस, तो आप आकर के ले सकते हैं। लहरिया सराय लोकेशन है, लहरिया सराय दरभंगा, और नंबर भी रहेगा स्क्रीन पे, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं सर से। ओके, आप भी शुरुआत कर सकते हैं इसको, और बहुत अच्छा है, आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। और यहाँ का क्वालिटी, ये भी फीमेल है, अभी 10 दिन की गाभिन है, प्रेग्नेंट है। सर इसका अगर कोई लेना चाहे तो क्या प्राइस होगा इसका? एडल्ट का? हाँ, एडल्ट का पे बिकता है? नहीं, ये ऐसे ही। हाँ, तो इसका कितना होगा सर, अगर ये चाहे एडल्ट अगर फुल 1 साल के ऊपर का अगर लेता है कोई, तो 15,000 के आसपास आता है। और 45 डेज और दिखाते हैं ये वाला, ये है ट्रिपल कोट में, देख रहे हैं इसका जो क्वालिटी आता है, ये फर का ही क्वालिटी होता है, तो ये 10,000 के आसपास का, 10,000 जी। और दिखाइएगा, एक ये भी है उसी से के साथ का बच्चा है, ये भी है ट्रिपल क्वालिटी, कितना प्राइस होगा? वही 11-10-11। हाँ, बच्चा अमूमन 10,000 के बहुत अच्छा क्वालिटी हुआ तो 11-9 में भी, कुछ क्वालिटी लो हो जाता है तो वो 9-9 में भी है। यही अभी इसी का बच्चा है, वो दिया था पूरा। इसका कितना प्राइस पड़ेगा? नहीं, एडल्ट फीमेल नहीं सेल होता है। अच्छा, सेल के लिए नहीं। अच्छा, इसका बच्चा? हाँ, बच्चा। हाँ, असल में क्या होता है ना,
कि अगर ये कोई ले भी जाएगा ना तो उसके घर पे एडॉप्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि भागने लगेगी। अच्छा, ये कितने दिनों का होगा सर, इसके बारे में थोड़ा बता दें कितने, मतलब ये एक महीना, एक साल दो महीने का, एक साल दो महीने, यानी 14 महीने का ये हो चुका है। मतलब 14 महीने के, अगर कोई मन में इसको ये होगा कि ये 14 महीने का कितना बड़ा होगा, तो ये हाँ, ये 14 महीने का, 14 महीने का ये है और काफी बड़ा है। हाँ, फर्स्ट टाइम गाभिन भी है ये, प्रेग्नेंट है, फर्स्ट टाइम ये दो तीन दिन में बच्चे देने वाली। असल में छोटा लेने पे क्या है कि घर पे अडॉप्ट कर जाता है, अब बड़ा अडॉप्ट नहीं कर पाता वो, मतलब अगर आप लेके गए तो उसको बांध कर भी नहीं रखा जा सकता है, बांध के रखने की चीज़ नहीं है, तो वो भागने लगेगा, इधर उधर भागेगा तो फ़ायदा नहीं है। बच्चा होता है कि टेम्ड हो जाता है, आप जिस तरह उसको ढालेंगे उस तरह रहेगा। धन्यवाद सर, तो सर से विशेष जानकारी नंबर के माध्यम से होगी। फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।